दोस्तों मैं जैसे अपने घर पर आया, मैं कहीं गया हुआ था तो मैंने बहुत ज़्यादा आवाज़ से मेरे फार्म में मुर्गियाँ वगैरह काफ़ी आवाज़ें करने लगी। पता नहीं क्या हो गया, मैं घबराने लग गया। फिर मैं चाचा का लड़का भाग के आया और भैया भैया अरे भैया जल्दी चलो क्या हो गया। फिर मैं भाग के उनके साथ गया तो मैंने देखा कि हमारे जो पेड़ वगैरह लगे हुए वहाँ पे जाके देखा तो सामने तरफ जैसे मैंने आपको दिखता होगा, जैसे मैंने कैमरा वगैरह घुमाया और तो सामने तरफ बिल्ली घात लगाए हुए बैठी थी। उसके साथ 5 बजे थे और बिल्ली अकेली घात खा कर बैठी थी। पता नहीं किस लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा यार बिल्ली इधर कैसे, और हमारे बर्ड्स वगैरह काफ़ी आवाज़ें करने लगे। मैं काफ़ी घबराने लग गया। फिर जैसे मैं इधर उधर देखने लगा फिर मैंने देखा यार ये मन बिल्ली जो घात लगा पता नहीं किधर। फिर मैंने पक्षी की आवाज़ ली, फिर मैंने जैसे कैमरा आप ऊपर घुमाया तो मैंने सिर्फ पक्षी वगैरह नजर आ रहे और कुछ नजर नहीं आ रहा। आवाज़ें बहुत ज़्यादा आने लगी, मैं भी घबराने लगे यार ऐसी क्या चीज़ देख ली हमारे पक्षियों ने बहुत ज़्यादा मुझे आवाज़ें कर। फिर मैंने जैसे कैमरा नीचे तरफ दिख रहा इधर तो इस तरफ हमारा जो पैरोट होते तोता में बोलते हैं तो इस जगह बैठा हुआ था और काफ़ी घबराया हुआ था। मैंने देखा यार ये क्यों घबराया हुआ है कि अपनी माँ से बिछड़ चुका है। फिर मैंने इधर से उधर देखा है काफ़ी भी नज़र नहीं आ रही थी इसकी माँ वगैरह। फिर मैंने ये जो आपको सामने जो भी नज़र आ रहा है तो ये है महीने भर के आसपास मेरे हिसाब से बच्चा होगा। तो फिर ये काफ़ी घबराया हुआ, फिर मैंने इसको फटाफट लिया अपने, मैंने देखा फटाफट लेकर चले इसको पानी वगैरह पी लेंगे। काफ़ी घबराया हुआ, अगर मैं थोड़ी देर भी लेट हो जाए तो शायद ये नहीं बच पाता और बिल्ली इसको मार डालती। तो मैं जल्दी पहुंचने के कारण फिर ये मैं चाचा लड़का वगैरह जल्दी बुलाने के कारण फिर मैं आया और इसको बचा लिया है। अभी हम फार्म में लेके चलेंगे, फिर अभी यार काफ़ी घबराया हुआ है तो इसे पानी वगैरह हम पिलाएंगे ताकि इसकी प्यास बुझ सके और उसको खाना वगैरह देंगे। अब खाने में क्या दे सकते हैं, मेरे साथ दाल वगैरह पानी में गिला के इसको देते हैं। तो अभी हमारे जो एक केज है ये कबूतरों का है तो हम इसी के अंदर रखेंगे। अभी काफ़ी घबराया, आप देख सकते हैं मेरे हाथों पर कैसे बैठा है, छोड़ना नहीं चाह रहा मेरे को, काफ़ी घबराया हुआ है, मतलब हर से ज़्यादा डर रहा है ये। फिर हम क्या अभी इस कबूतरों के साथ छोड़ देंगे ताकि ये और घूम, फिर अभी देखना ही पड़ेगा कबूतर भी इसको मार सकते हैं। अब पता नहीं है, कभी मैंने तो इनको रखा नहीं साथ में क्योंकि हमें कबूतर का फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो हम कैसे कह सकते हैं कि तोता मारेगा नहीं मारेगा, आपको सामने हर चीज़ में करूँगा। तो ये भैया ये ताला इसलिए लगाए हुआ है कि जो हमारे जो तोते वगैरह जो मतलब कबूतर वगैरह हैं तो उनको बाहर निकाल सकते हैं, हमारे छोटे बच्चे वगैरह हैं इसलिए, क्योंकि कबूतर तो कहीं नहीं जाएंगे पर ये जो बिल्ली वगैरह अंदर घुस के अटैक कर सारे बच्चों को मार सकती है, मतलब कबूतर को मार सकती है। तो हम क्या अभी इसको रिलीज़ कर दिया है, आपको सामने दिखता होगा तो काफ़ी घबराया हुआ भी है। अभी आपको देख दाना पानी खा रहा नहीं, अब क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा मुझे भी नहीं, काफ़ी डर लग रहा है ये बच्चे का नहीं बच्चे का, क्योंकि मुझे बीमार टाइप भी लग रहा है और ऐसे पता नहीं आ रही क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। हमें तो कभी देखा नहीं तोते को, बच्चे को भी हम फर्स्ट टाइम देखा है तो ये भी ये महीने भर गए तो इसीलिए डरता हो या फिर ये मतलब बीमार हो तो पता नहीं। इसकी माँ भी अभी आवाज़ नहीं आ रही, फिर जैसे इसकी माँ वगैरह आएगी तो हम इसको कर देंगे रिलीज़। तो इसकी माँ वगैरह काफ़ी घूमते फिरते रहेंगे यार, हम इसको हमारे केज के अंदर नहीं रखेंगे और जब तक ये इसकी माँ नहीं आ जाए जब तक हम हमारे पास। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं पैरोट जो मतलब तोते के पास में लेकर हूँ काफ़ी डर रहे हैं क्योंकि मैं केज के अंदर हूँ तो ये मेरे से काफ़ी डर रहे हैं। तो हम क्या इसे करें, थोड़ी देर इसको अकेला छोड़ देंगे ताकि ये इनके साथ देखेंगे, हम छुप कर देखेंगे कि मार रहे नहीं। आप देख सकते हैं मैंने इनको रिलीज़ कर दिया, इसको पास में छोड़ दिया कबूतर, तो अभी क्या हमें केज के अंदर ही इसलिए डर रहे हैं तो हम थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अगर ये नहीं मारेंगे तो हमारे इसके अंदर साथ रखेंगे ना, फिर हम हमारे दूसरे केज है उसके अंदर रखेंगे जो अभी दिख रहा है। तो हम मेरे हिसाब से अगर पच जाएगा नहीं डरेंगे नहीं रोएंगे तो हम इसके अंदर रख देंगे। हमारे कबूतर अगर नहीं घबराएंगे ये नहीं घबराएंगे तो उसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। आप आवाज़ आपने सुनी होगी कैसे चिल्ला रहा अपनी माँ के लिए, जैसे इसकी माँ आएगी हम इसको कर देंगे रिलीज़। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई, पसंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर। खुदा हाफिज़, मिलते हैं।